फाइनली दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 को सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। देख ली है उन्हें ये खबर पहले ही पता चल गई होगी कि मूवी केजीएफ चैप्टर 2 के बाद मूवी का थर्ड पार्ट यानी कि केजीएफ चैप्टर 3 भी हमें देखने को मिलने वाला है। या दोस्तों आप सभी को बताते चलें कि केजीएफ चैप्टर 2 मूवी के एंड में पोस्टेड सीन में हमें रवीना टंडन एक फाइल खोलते हुए नजर आ रही है जिसपे CIA लिखा हुआ है। जैसे ही इस फाइल को हटाया जाता है उसके नीचे एक और फाइल होती है जिस पर केजीएफ चैप्टर 3 लिखा होता है और इसी के बाद से दोस्तों मूवी का एंड हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों मेकर्स ने हिंट दे दिया है कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद हमें केजीएफ चैप्टर 3 भी देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पे केजीएफ चैप्टर 2 के साथ केजीएफ चैप्टर 3 भी जमकर ट्रेंड कर रहा है और सभी की एक्साइटमेंट केजीएफ चैप्टर 3 के लिए काफी बढ़ गई है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 ने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और काफी जबरदस्त रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो वहीं मूवी के रिलीजिंग से पहले हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए केजीएफ मूवी के डायरेक्टर प्रसाद नील ने ऐसा जवाब दे दिया है जिसे केजीएफ चैप्टर 3 का इंतजार कर रहे सभी फैंस का दिल बाग बाग हो जाएगा। प्रसाद ने केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज से पहले तीसरे पार्ट की रिलीज पे कहा, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, सिनेमा में आप मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अगर लोग केजीएफ चैप्टर 2 को भरपूर प्यार देते हैं तो हम इसका अगला पार्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि हमें केजीएफ चैप्टर 3 देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है केजीएफ चैप्टर 3 मूवी को देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे चटपटे गॉसिप न्यूज़ देखने